देखा जाएगा। तो मुंह मीठा भी हो गया अब? यस एंड आप ऑलरेडी इतने प्रिटी और इतने ब्यूटीफुल हो मैम, बट नहीं आपको कुछ नहीं करना है, हमें करना है। So this is for you, a very very happy birthday ma'am, and thank you so much for your support and your participation in all these wonderful calls. All right, so before I call everybody and we have a group picture ma'am at the end, again coming back to our initiative jiske liye hum yahan sab saath jude hain, that is I Gift Eyesight, any last two things jo aap bolna chahoge as a message to the listeners or everybody who is watching you right now? भाई सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी, कुछ डोनेशन करना पड़ेगा, शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। सो व्हाट इज द सो एनी अमाउंट राइट, सो आई विल से आई जस्ट प्लेज 10,001 रुपीस राइट नाउ फॉर टुवर्ड्स आई डोनेट, नहीं नहीं मेरा बर्थडे, 1,00,000 कर देती हूँ, 1,00,000 फॉर माय डोनेशन। बोलते कि आपको मिलना चाहिए बट आपने हमें गिफ्ट दे दिया है, आप मेरे लक्स भूल गई। व्हेन यू टेक केयर ऑफ अदर्स थिंग्स हैपन फॉर यू, सो मैं आपके लिए करूंगी और भगवान कुछ कर ही डालेगा। थैंक यू सो मच मैम। आई वुड नाउ लाइक टू कॉल द CMO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया DN राजेंद्र कुमार सर एंड प्रकाश गुड़गांवकर सर फॉर अ ग्रुप पिक्चर। आप जब बात कर रहे थे ना तो मुझे एक ध्यान आया, एक्चुअली मैं काफी छोटी थी तो हमारे नाना जी इन हिज old age he was quite fit, tall, handsome, that's what I remember of him, but as he began to age he lost his eyesight. It just happened with age, perhaps he was quite old, and then that's when he lost the zest for life and that's when he started deteriorating. Aisa maine suna hai apni mummy se. So jab aap baat kar rahe the to mujhe unka dhyan aaya ki actually what you're saying is very right. जब आपको दिखाई ना दे तो उस उम्र में योर लाइफ जस्ट स्लाइड्स, सो या नो इट्स टोटल डिपेंडेंसी, यू नो आई एम सॉरी टू टेक 1 मिनट, इट्स टोटल डिपेंडेंसी। एक तो उम्र, बिकॉज ऑफ एजिंग प्रोसेस देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस, इन एडिशन टू दैट यू आर लूजिंग योर टोटली आईसाइट। यू नो टुडे 4.8 मिलियन पीपल आर ब्लाइंड एंड आउट ऑफ दैट 2.8 मिलियन आर एल्डरली पीपल, दे आर ब्लाइंड बिकॉज ऑफ द सिंपल कैटरेक्ट, एंड एट हेल्पेज वी हैव टेकन दिस इनिशिएटिव टू इरेडिकेट दिस ब्लाइंडनेस। And Big FM, thanks to you for this support initiative, Zui. When the people like you come and talk and donate, I think it makes a lot of difference. जिंदगी ऐसी खूबसूरत है, उसे सिर्फ देखना चाहिए, अरे वही देख सकते हैं जिनकी आंखों की रोशनी हो। बस आप रोशनी देने के लिए हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए हेल्पेज इंडिया को, चाहे उतना डोनेट कर लीजिए। शुक्रिया। Sir, as Mr. Castor, I have taken inspiration from Zui and I am donating 10,116 rupees. Thank you so much, everybody. Thank you.
वंस अगेन क्या हुआ, जोरदार तालियां कहां गई आप लोगों की। मैडम लुकिंग ब्यूटीफुल इज ऑलवेज मैम यहाँ पे एक मिनट भाई 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 दिन आपको मेरे लाइन में आना है। अब दिखाओ कितना रख रहे हो। एक मिनट पहले आ गए हम, ये रखेंगे बूम के। एक सेकंड या ये जबरा कैंपेन के बारे में जरा ये रहे। आज ना दो ऐलान हो गए, तो आप किस कैंपेन के बारे में पूछ रहे पहले वो बताइए। तो टिपिकल आई साइट से रिलेटेड व्हाट वी टॉकिंग अबाउट आई स्ट्रक्चरिंग दैट वी टॉक अबाउट फर्स्ट देन द कावेरी। आई थिंक वन थिंग इज कॉमन इन बोथ कि जो हमारे पास होता है उसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। एक चोट भी लग जाए ना और अपनी छोटी सी उंगली में कुछ छोटा फ्रैक्चर भी हो जाए, सबसे छोटी उंगली में, तो पता चलता है कि उसका भी काम था और कैसे आराम से हम ज़िंदगी बसार रहे थे और कैसे आराम से काम कर रहे थे। और एक छोटी उंगली में प्रॉब्लम हो जाए तो हम वेकअप हो जाते हैं। ये तो आँखों की बातें हैं, आँखों के बिना जस्ट इमेजिन द वर्ल्ड। एंड दिस डोनेशन इज़ फॉर especially for elderly people. तो elderly people के साथ तो ये है कि one aging process, वो इतने जवान नहीं हैं कि उस तरह काम कर सकें जिस तरह जवानी में आप सब मेरे सामने यहाँ खड़े हैं और काम कर रहे हैं। एंड दूसरा एक और debilitation के आँख से भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। सो उनकी आँखें अगर वापस आ जाएँ, at least their last few years they can live like they said with dignity. So that is one. दूसरी है पर्यावरण, जिसको हम एकदम उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं करते। हम उसे हर रोज़ बिगाड़ते जा रहे हैं। हम वैसे ही पूरी दुनिया में मशहूर हैं कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ हमारे देश में हैं। ये गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है। और ये हम ही करते जा रहे हैं। हम जिसे डेवलपमेंट बोलते हैं, बिल्डिंग्स बनाते जाते हैं, पेड़ काटते जाते हैं, ये अक्लमंदी की नहीं स्टुपिडिटी की बात है। और हम ये कब समझेंगे, जब हमारे बच्चे सांस ना ले पाएँ, जब वो खाना खा ना पाएँ क्योंकि उसमें केमिकल्स भरे हुए हैं, जब वो पानी पी ना पाएँ उसमें भी वो सब दूषित हो और आप उसे हाथ ना लगा सकें, या पानी ख़त्म ही हो जाए। आई बिलीव द वाटर टेबल इन इंडिया विल बी ऑलमोस्ट फिनिश्ड इन 2025। वेक अप पीपल। एंड इसके लिए और मशीन्स और कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर अगर आपके पास वो आइडियाज़ भी हैं तो वो भी लगा लीजिए, मगर बहुत सिंपल सॉल्यूशंस हैं। जहाँ हो सके, जहाँ जहाँ मौका मिले पेड़ लगाइए। और पेड़ सिर्फ लगाइए नहीं, उनका थोड़ा ध्यान भी करना पड़ता है 3-4 सालों तक, फिर वो अपना ध्यान कर लेते हैं और ज़िंदगी भर आपको ऑक्सीजन देते हैं, खुली हवा देते हैं, पानी वो होल्ड करते हैं, छांव देते हैं। दे प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, फ्रॉम सॉइल डिटीरियोरेशन, मैनी 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 थिंग्स। दे गिव यू फ्रूट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, स्क्विरल्स, सब पेड़ों से ही आ जाते हैं। सो कावेरी कॉलिंग इज़ वन सच प्रोजेक्ट, जहाँ पर जिसमें पहले शुरुआत तो मैं ये बताना चाहूँगी सद्गुरु जी ने की है, श्री जग्गी वासुदेव जी ने। और उनका ये उनकी एक कोशिश है कि कावेरी बेल्ट में, कावेरी के बिल्कुल इर्द गिर्द
200 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे अगले 12 साल में। 200 करोड़ पेड़ वो अकेले नहीं लगा सकते, उन्हें हम सब की ज़रूरत है। और कोई बड़ी बात नहीं है, 42 रुपये आप यूं ही छोटी मोटी चीज़ों पे ऐसे ही मतलब कुछ भी खरीदते हैं, 42 रुपये कुछ भी नहीं होते। तो 42 रुपये का एक पेड़ है। भारत में हम कोई 1 बिलियन लोग हैं, और ज़्यादा मत करिए। अगर हम 1 बिलियन सिर्फ एक क्षण के लिए रुक जाएं और बोले ये रहे मेरे 42 रुपये, एक पेड़ मेरी तरफ से, वी विल हैव 1 बिलियन ट्रीज इन नो टाइम एट ऑल। इट्स दैट सिंपल। सो प्लीज़, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करें, इसलिए नहीं कि मैं कह रही हूँ, मगर मेरी बात में अगर आपको थोड़ी अकलमंदी दिखाई दे, अगर मैं कोई सच्ची बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान कीजिए। और अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, एक्चुअली आप सोचेंगे तो सब लोग यही कहेंगे कि सबसे ज़्यादा प्यार आप अपने बच्चों को करते हैं। तो अगर आप बच्चों से प्यार करते हैं तो उनके लिए ये ज़रूर कीजिए। एंड इफ़ दिस इज़ अ सक्सेस, इंडिया विल बी द फर्स्ट टू बी एबल टू पुल समथिंग सो ऑफ सच मैग्नीट्यूड, एंड देन वी कैन डू दिस फॉर ऑल आर रिवर्स। वी कैन बी द रिचेस्ट कंट्री इन बैक इन आर रिसोर्सेज। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। 42 रुपीज अ सैपलिंग, वेरी स्मॉल लिटल थिंग। एक तो बनता ही है, एक तो ज़रूर लगाइए, आपका मन करे तो और भी लगाइए। You, when you said about this thing, like we saw you got very emotional also, and you've been from so many years, you've been working for so many good causes also. Like, how much does it really you feel satisfied when you come for these kind of event, and by the end of the day, what are you feeling actually? I think आपके question में ही आपका उत्तर मिल गया आपको कि जब मैं हम सब अपने लिए काम तो ज़रूर करते हैं, फिर किसी अच्छी बात को करते हैं तो रात को नींद बड़ी कमाल की आती है, लगता है कि हमने अपना कुछ अच्छा किया आज। तो बट दैट इज़ नॉट इट, कि मैं इस ख्याल से नहीं शुरुआत की थी मैंने कि मैं पेड़ लगाऊंगी तो ये मेरी नींद अच्छी हो जाएगी, ये तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मुझे लगा इस ये बात सच्ची है, एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग एंड आई मस्ट हेल्प। अगर मैं अपने बच्चों का भविष्य चाहती हूँ तो यही सही रास्ता है, और कोई रास्ता है ही नहीं। अगर आप सिर्फ उनके लिए बैंक बैलेंस और एक घर और एक गाड़ी रख देंगे और कहेंगे भाई ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया, तो कल को वो आपसे बहुत नाराज़ होंगे, क्योंकि आपने उनका पानी, खाना, हवा पूरी ख़राब इस तरीके तक कर दी होगी कि वो देयर बी नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। सो रियली इफ़ यू वॉन्ट टू लीव समथिंग फॉर देम, और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे जो पूर्वज थे वो यही करते थे, कभी भी उन्होंने पानी को गंदा नहीं किया। मैंने तो ये भी सुना है, एक वीडियो पर मैंने देखा था कि पहले के लोग कहते थे ओ मैं गंगा या जमुना नहाने जा रहा हूँ, तो बोलते थे पहले नहा के जाना, यानी कि आप प्लीज़ अपने उस पानी को गंदा अपने आप से मत करना। आज तो हम उस सोच को कहाँ पीछे छोड़ा है, आज तो हम अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट भी गंगा में डाल देते हैं, और गंगा इज़ गॉड्स गिफ्ट टू इंडिया। आई फाइंड इट शॉकिंग कि हम ये नहीं रियलाइज़ कर रहे गंगा का पानी क्यों इतना माना जाता। आप गंगा के पानी को बॉटल में रखिए, अगले 100 साल तक उसमें कोई कीटाणु नहीं मिलेगा, वो इतना प्योर है। इस प्लैनेट पर ऐसी कोई रिवर नहीं है मगर इंडिया में है, इसलिए गंगा को जाना जाता है। मगर आज गंगा, जमुना और ब्रह्मपुत्र और पता नहीं कितने सारे नदियों को हमने नाले बना दिए, अपनी गंदगी उसमें डाल रहे हैं। सो इट्स शॉकिंग। आई जस्ट होप वी ऑल वेक अप एंड डू समथिंग अबाउट इट। अब करने जाएंगे, आप उसको कवर कर लीजिए, बिकॉज़ आई वुड लव टू हियर कि बच्चे इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं या बच्चों का आज क्या ख्याल है। इसके अलावा मैं हम पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, और उसी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो पेड़ काटने का आदेश के लिए दिया था कार्य के लिए, टेक्निकल उसके लिए, और काफ़ी पेड़ कटे थे।
उन्होंने आई एम श्योर इस पर भी बहुत सोचा होगा. मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है पेड़ तो कभी नहीं काटने चाहिए जिस हद तक हम उन्हें बचा सकें, क्योंकि एक पेड़ को वो पेड़ बनते 50 साल लगते हैं. आप उसकी जगह 50 और लगा दीजिए मगर वो 50 साल आप वापस नहीं ला सकते. सो मगर ये मुंबई की ज़रूरत है. हम लोग आबादी इतनी बढ़ गई है कि उसके बिना आपको ट्रैफिक हर जगह मिलेगा, फिर आप ट्रैफिक के बारे में चिल्लाएंगे तो गवर्नमेंट क्या करे. इसलिए जिसे हम हेल्प नहीं कर सकते चलिए उस बात को छोड़ देते हैं, मगर जिसमें हम कोई पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, जैसे कि मैं कहती हूँ कावेरी कॉलिंग है, आप उसमें ज़रा हाथ बटाइए ना. यहाँ की कंप्लेन ना करिए, वहाँ पर हाथ बटाइए, वहाँ पर कुछ अच्छा करेंगे उसका प्रभाव इधर भी होगा. We having your birthday also coming up, and it was such a good gesture from your side that you donated 1 lakh rupees for it. Yeah. It was something very good. What is a sweet and simple message to other people who also like, you know, just come forward for this? As you said it, but then still be. Zarur, zarur. I think. क्या कहना चाहूँगी? पहले अपने से शुरू करना होगा, एंड दैट इज़ व्हाट सेंसिटाइज़ेस यू. कभी आपके फैमिली में या कभी आपके दोस्तों में कभी ये कुछ घटना ऐसी घटी होगी जिससे आपको रियलाइज़ होगा कि आई साइट कितनी इम्पोर्टेंट है, तो आप बिना मेरे बोले आप ज़रूर आगे आएंगे और इसमें हेल्प करेंगे. सो आई जस्ट से, एंड जैसा कि उन्होंने कहा, बहुत बड़ा अमाउंट मत करिए, जितना कर सकते हैं खुशी से कर सकते हैं आप कुछ करिए. और मैं फिर यही कहूँगी कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं उनको वो दिलाते हैं जिनकी उनको ज़रूरत है, तो ऊपर वाला आपको वो देता है जिसकी आपको ज़रूरत है. सो हेल्प अदर्स एंड हेल्प योरसेल्फ. सो गुड सर, सो गुड.